चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं वो बिल्कुल एक नया टॉपिक है। हाँ, यूनिट वही है जो अपन देख रहे थे, सेल कल्चर फंक्शन एंड लेबोरेटरी। ये जो यूनिट थी सेम वही यूनिट है। अब अपन आज के जो टॉपिक में बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट या सेल प्रोलिफिकेशन टेक्निक के बारे में, कि ये एक्चुअल में क्या होती है और एट द टाइम ऑफ सेल कल्चर इसको अपन किस किस टाइप से यूज ले सकते हैं या किस डिफरेंट टाइप से इसको अपन यूज में ले सकते हैं। थोड़ी सी क्लियरिटी आज हो सकता है बड़ी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वो तो अभी वीडियो कंप्लीट बनेगा उसके बाद देखेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा सा सेटअप भी चेंज कराए, हालांकि बोर्ड तो वही अच्छा सा बोर्ड है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, दिख रहा होगा आराम से। अब इस टाइम थोड़ा सा अपन को ये भी ध्यान रखना है कि सिलेबस कंटिन्यूसली पीजी का तो स्पेशली मूव ऑन हो रहा है, चल रहा है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर करें। अब यूनिवर्सिटी कितना टाइम और देगी, कितना नहीं देगी, कब एग्जाम करवाएगी कब नहीं करवाएगी, उसका अपन को आइडिया नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता कि वो किस प्रकार से एग्जामिनेशन होंगे, बट जितना यहाँ पर कोशिश की जा रही है पढ़ाने की, मैं ऐसा मानता हूँ कि विजुअल क्लास के जैसा ही है। अगर आप लोग फिजिकल यहाँ पर बैठे होते तो भी शायद इसी तरीके से अपन पढ़ रहे होते। कुछ कंसेप्चुअल, कुछ वर्ड वाइज, कुछ डेफिनेशन वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपन फर्दर जो फिजिकल क्लासेज में डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है उस पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक में कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सपोज करिए ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्क कर लीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। विद इन 4 to 5-6 आवर्स के अंदर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको, ठीक है। तो आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट। चलिए, तो आज अपन बात करते हैं सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट की। सेल्स से तो डिनोटेड है ही कि सेल्स की बात हो रही है, मेजरमेंट का मींस मेजर करना या आइडेंटिफाई करना या जो उसकी वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना यहां पर। और प्रोलिफिकेशन से क्या मींस होता है, इट मींस इस टेक्निक में सेल कितनी ग्रो कर रही है, कितना उसमें डिविजन हो रहा है, इन सब चीज की स्टडी अपन किसकी सहायता से करते हैं, सेल प्रोलिफिकेशन की सहायता से करते हैं। तो इसमें राइट डाउन कर लें आप लोग, यह एक बायोटेक्निक होती है जिसके अंदर सेल ग्रोथ एवं सेल डिवीजन को स्टडी किया जाता है, या यूं कहें कि सेल ग्रोथ एवं डिवीजन को बैलेंस किया जाता है। सेल कितनी ग्रो कर रही है और कितना उसमें डिवीजन हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए जिस टेक्निक का अपन काम में लेते हैं, इट कॉल्ड इज सेल प्रोलिफिकेशन, ठीक है। राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन, इसको एक अन्य प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल डिवीजन एवं सेल लॉस के बीच का बैलेंस सेल प्रोलिफिकेशन कहलाता है। सेल कितनी डिवाइड हुई और कितना उसके अंदर लॉस हुआ, उन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो क्या कहलाता है, उस बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं, सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट या सेल प्रोलिफिकेशन टेक्निक का यूज में अपन उसको लेते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, सेल प्रोलिफिकेशन में ट्यूमर सेल्स को काफी हद तक स्टडी किया जाता है। इट मीन सेल प्रोलिफिकेशन में ट्यूमर सेल में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ट्यूमर सेल्स हैं, डिवीजन क्या है, रेट ऑफ डिवीजन हाई है, ठीक है, तो यहां पर जो सेल प्रोलिफिकेशन उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डेफिनेटली हाई हो जाती है। नेक्स्ट लाइन, सेल प्रोलिफिकेशन की वैल्यू जेनेटिकल मटेरियल में रिप्लिकेशन पर भी डिपेंड करती है। नीचे एक नोट लगा के लिख लेना, नोट, सेल प्रोलिफिकेशन को समझने के लिए कैंसर सेल
सबसे उपयुक्त या वैल्यूबल होती हैं। इट मीन्स जो सेल है आपकी, जो कैंसर सेल्स हैं, उनमें सेल प्रोलिफिकेशन को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। चलिए अब अपन इस डायमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझते हैं कि जो सेल प्रोलिफिकेशन टेक्निक है या जो सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट है, इसको अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो इसको अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल लेता हूं। ठीक है, इट मींस ये जो है, ये है ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, यहां पर क्या ले लिया मैंने, ग्रुप ऑफ सेल्स ले ली। अब इस ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर ये जो आप देख रहे हैं विदाउट रेड मार्क, इन कुछ सेल्स के अंदर यहां पे रेड मार्क है, जो बाकी जो है उन सब में क्या है, विदाउट रेड मार्क सेल्स हैं। तो ये जो विदाउट रेड मार्क सेल्स हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं नॉर्मल सेल। ये क्या है, नॉर्मल सेल्स। ठीक है, यानी ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये जो रेड मार्क जिन पे है, ये है ट्यूमर सेल। क्या है, ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये इनमें रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा होता है विजन टू कंपेरिजन नॉर्मल सेल्स के। ठीक है, देन आगे यहां तक बात समझ में, दिस वन इज ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर ये जो है ये नॉर्मल सेल्स हैं, बाकी जो ये रेड मार्क से डिनोटेड है, ये है ट्यूमर सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सेल डिवीजन करवाते हैं। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इट मीन सेल क्या होंगी, डिवाइड होंगी, अपने ही सिमिलर ऑफ स्प्रिंग डेवलप करेंगी। इट मीन्स आप यहां पर देख रहे हैं कि ये नॉर्मल सेल है, ये क्या है, नॉर्मल सेल्स हैं, ये भी क्या है, नॉर्मल सेल्स हैं। बट यहां पर जो ये रेड मार्क की, जिसको अपन बोल रहे थे ट्यूमर सेल, क्या बोल रहे थे, ट्यूमर सेल्स, इनकी नंबरिंग इस बार क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इट मीन्स एट द टाइम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा तो इनका भी है, बट इनका क्या है, ज्यादा बड़ा है विद इन द कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, देन अगेन डिवीजन हो रहा है। अब अगेन डिवीजन हो रहा है तो वो सेम कंडीशन है कि सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। ठीक है, अपने सिमिलर सेल्स को डेवलप करेंगी। अब यहां पर अपन क्या देखेंगे कि ये यहां पर जो रेड मार्क की सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की क्या है, नंबरिंग ज्यादा हो गई। इट मीन्स जो ये ट्यूमर सेल्स हैं, ये क्या होंगी, इंक्रीज हो गई मैक्सिमम क्वांटिटी में इन विथ कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल। यहां पर नॉर्मल सेल क्या है, ज्यादा है, और ट्यूमर सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स कम है विजन टू कंपेरिजन ट्यूमर सेल्स के। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, यानी इस डिवीजन से लेके लास्ट डिवीजन तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, अपन किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें कि कितनी सेल कितने टाइप से डेवलप हुई हैं या डिवाइड हुई हैं। इट मींस नॉर्मल सेल ज्यादा डिवीजन हुआ है या ट्यूमर सेल में ज्यादा डिवीजन हुआ है, कितनी टाइप्स की लिविंग सेल बची हैं और कितनी टाइप की डेड सेल अपने पास बची हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए वी यूज द सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट। मेजरमेंट या फिर टेक्निक, क्लियर है? ठीक है, इसके नीचे राइट डाउन कर ले। इसमें सेल प्रोलिफिकेशन की स्टडी कैंसर सेल डेवलपमेंट के दौरान करते हैं। नेक्स्ट लाइन में प्रोलिफिकेशन को देखने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल लिया जाता है जिसमें कंटिन्यूसली डिवीजन संभव हो। इस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि
नॉर्मल सेल की रेट ऑफ डिवीजन की तुलना में ट्यूमर सेल में रेट ऑफ डिवीजन अधिक देखने को मिलता है। यह है डिवीजन के दौरान काम में आने वाले प्रोलिफिक्शन प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट लाइन में, कुछ समय पश्चात ट्यूमर सेल की वैल्यू नॉर्मल सेल की कंपैटिबिलिटी अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ जाती है। इट मींस क्या कह सकते हैं इसको कि रेट ऑफ प्रोलिफिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ट्यूमर सेल्स, यानी जैसे जैसे रेट ऑफ प्रोलिफिक्शन इंक्रीज होगा ट्यूमर सेल्स भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती है। फिर ये बोल दूं मैं, ट्यूमर सेल्स के इंक्रीमेंट के साथ सेल ऑफ रेट ऑफ प्रोलिफिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में, यदि नॉर्मल सेल में प्रोलिफिक्शन की स्टडी करनी होती है तो यहां पर क्या काम में ले लेंगे, रेट ऑफ प्रोलिफिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल सेल्स। सिंपल सी बात है, चाहे ट्यूमर सेल की वैल्यू बढ़ा लो या नॉर्मल सेल की वैल्यू बढ़ा लो, प्रोलिफिक्शन की रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नीचे एक नोट डिनोट करके लिखेंगे, नोट, सेल प्रोलिफिक्शन का उपयोग एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन के दौरान भी किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन के प्रोडक्ट में बहुत सारी स्पेसिफिक टाइप की सेल डेवलप होती हैं, स्पेसिफिक टाइप की सेल डेवलप होती हैं जो कि टिश्यू या मल्टी सेलुलर एनिमल में ऑर्गन को डेवलप करती हैं, या यूं कहें कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट सेल डिवीजन को देखा जाता है। नेक्स्ट लाइन में, सेल प्रोलिफिक्शन की रेट जब कम होती है तो एनिमल में ग्राउंड स्टेज जीओ, सेल डिवीजन की जो प्रथम स्टेज होती है जीओ स्टेज में, एनिमल जीओ स्टेज में आ जाता है। इट मीन रेट ऑफ प्रोलिफिक्शन जब कम होगी तो एनिमल का आ जाएगा जीओ स्टेज में आ जाएगा, यानी डिवीजन ही नहीं हो रहा तो वो, भाई सिंपल सी बात है, यहां पर सेल में डिवीजन ही नहीं हो रहा तो नया ऑर्गन डेवलप नहीं होगा या फिर नई सेल डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन में, सेल प्रोलिफिक्शन के द्वारा जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, इससे स्टेम सेल की स्टडी भी की जाती है, स्टेम सेल में होने वाले डिवीजन की वैल्यू को भी सेल प्रोलिफिक्शन के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। अर्थात एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इम्यूनो सेल डेवलपमेंट आदि भी इसी टेक्निक के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट यहां पे एंड होता है सेल प्रोलिफिक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, आपने नहीं किया है तो किसी ने।